नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिल्ली से एक बड़ी तकलीफ देह खबर अभी दो चार दिन पहले आई। वहाँ एक जगह UPSC की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा एक किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में रह रहे थे। कोचिंग सेंटर ने ये इंतज़ाम किया था बिल्डिंग के बेसमेंट में। बारिश खूब हुई दिल्ली में, आप जानते हैं बारिश इतनी होती है दिल्ली में। मैं हर बारिश में इंतज़ार करता हूँ, वहाँ का एक कोई पुल है, उस पुल के नीचे से सड़क जाती है। वहाँ हर बारिश में बस जाके एक बार फंस जाती है, फिर उस बस के लोगों को बड़े मुश्किल से निकाला जाता है। बस अब करीब पूरी पूरी डूब जाती है उस पुल में, ऐसा पानी भरता है दिल्ली शहर में। तो वहाँ बेसमेंट में, ज़मीन के नीचे, जहाँ ये क्लास चलती थी, जहाँ लाइब्रेरी बना ली गई थी, जहाँ पर स्टूडेंट्स को रखा गया था, उसका गेट बंद था, पानी भर गया उसमें। पानी भरने से डूब कर तीन लोगों की मौत हो गई, तीन छात्र छात्राओं की मौत हो गई। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। अब दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है MCD, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो लगातार बेसमेंट की जांच करने में लगा है कि और कहां पे ऐसी क्लास चल रही है। एक और कोई बड़े चर्चित हैं, वो यूट्यूब पे मैं इनके वीडियो देखता हूं या सोशल मीडिया पर, वो मोदी सरकार के आलोचक भी दिखते हैं वो मुझको। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, गैरकानूनी काम नहीं है ये, लेकिन उनका भी नाम आया कि उनका सेंटर बेसमेंट में चल रहा था, दिव्य कीर्ति ऐसा कुछ नाम है, उसको भी सील कर दिया गया है। मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है, 10-15 साल पहले की बात है या 20 साल हुए होंगे, दिल्ली में ऐसे बेसमेंट को सील करने का काम बड़े जोरों से चला था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक आदेश पे। और लगातार इमारतों के बेसमेंट सील किए गए थे, पूरे दिल्ली में एक तहलका मच गया था। लोगों का ये भी कहना था कि जो नए बिल्डरों ने जो नई इमारतें बनाई हैं बड़ी बड़ी, वो इमारतें खाली पड़ी थी, बिक नहीं रही थी, क्योंकि जितनी मौजूदा इमारतें थी उनके बेसमेंट में कारोबार चलते थे लोगों के। तो बड़े ऊंचे पैमाने पर एक साजिश रची गई थी, उसमें कौन कौन शामिल थे जो चर्चा थी, मैं अभी सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा थी कि एक साजिश रची गई थी कि ऐसा एक केस चले, ऐसा एक आदेश आए, उस आदेश के आधार पर पूरे नई दिल्ली के इमारतों के बेसमेंट जहां कारोबार चल रहा है उनको सील किया जाए। कारोबार तो कारोबार है, दिल्ली में बड़ा कारोबार चलता है, तो ये कारोबारी जो हैं फिर दूसरी इमारतों में दुकानें खरीदेंगे, ऊपर की मंजिल पे जाएंगे, कारोबार वहां शुरू करेंगे, तो प्रॉपर्टी बिकेगी। लोगों का कहना है कि बिल्डरों और प्रॉपर्टी डेवलपर का बड़ा मुनाफा था उसमें कि जब दसियों हजार बेसमेंट सील कर दिए जाए। मुझको हल्का सा ध्यान पड़ रहा है कि वकील और डेंटिस्ट, शायद ये दो लोग ऐसे थे, दो तबके ऐसे थे जिनको बेसमेंट में कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, शायद ऐसा था। एक हाथ कोई और तबका रहा होगा तो मुझको अभी ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में कोचिंग सेंटर तो गली गली में चलते हैं, हर बिल्डिंग के छत पर, उसकी बालकनी पर लोग रह लेते हैं जिंदा। झोपड़ी से भी कम जगह मिलती है वहाँ पे, लेकिन लोग किराया दे के वहाँ जिंदा रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं नौजवान, नौकरी पेशा लोग हैं बहुत सारे। मेरा ऐसा ख्याल है कि दसियों लाख छात्र छात्रा वहाँ रहकर किसी कोचिंग की तैयारी करते हैं, किसी इम्तिहान की, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसे दसियों लाख लोग हैं जो बाहर से आकर दिल्ली में इस तरह किराए की जगहों पे रहते हैं। ऐसे ही उनके लिए कोचिंग सेंटर गली गली में खुल गए हैं। वो कोचिंग सेंटर हर किसी को तो किराए की महंगी जगह मिल नहीं पाती है या ले नहीं पाते हैं, तो बेसमेंट की सस्ती जगह में जो आमतौर पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए है या कुछ और कुछ सीमित उपयोग के लिए जो बेसमेंट हैं, वहाँ पर ये कारोबार चलते हैं कोचिंग सेंटरों के। वहाँ पे ये छात्र छात्रा भी ठहराए गए थे, रहते थे, हॉस्टल था, कुछ था, तीन लोग डूबने से मर गए। दिलचस्प बात ये है कि इस मामले में
पुलिस ने वहां पे एक ऐसे एसयूवी कार, बड़ी कार जो रहती है, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो वहां के कोचिंग सेंटर के सामने की सड़क पर, जिसमें पानी बहुत भरा था, वहां से वो रफ्तार से गाड़ी चलाकर निकला था, तेज रफ्तार से। उसकी वजह से पानी जो है कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग में, बेसमेंट में और भर गया। सड़क से निकला था, कोचिंग सेंटर के भीतर नहीं गया था। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, पानी कहीं भरा रहता है। कल ही रात की बात है, एक जगह से निकला मैं, बड़ा पानी भरा हुआ था सड़क पर। फर्स्ट गियर में मुझको बहुत तेज चला कर निकलना पड़ा, तब जाकर गाड़ी वहाँ से पानी में से पार हो सकी। इतना पानी था मेरे शहर में, जो दिल्ली नहीं है, दूर है, वहाँ ज़्यादा भरा होगा पानी। किसी भी गाड़ी वाले को अगर सड़क से निकलना है तो पानी भरी हुई सड़क पे तेज चलाना पड़ता है, इंजन तेज रखना पड़ता है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम्हारे गाड़ी चलाने से पानी बेसमेंट में गया, उसके कारण लोग डूब के मर गए। मैं सोच रहा हूँ कि वो कोई बड़ा सा जहाज लेकर आ गया था क्या वहाँ दिल्ली की सड़क पर। एसयूवी लिखा है, एसयूवी कितनी बड़ी गाड़ी होती है, जो साधारण कार है उससे डेढ़ गुना बड़ी होती है अधिक से अधिक। उसके कारण इतना पानी भीतर घुस गया कि डूब के मर गए लोग। तो ये सड़क की गलती है, पानी भरने की गलती है, बेसमेंट के इस्तेमाल की गलती है कि एसयूवी वाले की गलती है? बड़ा अजीब सा केस है ये। लेकिन मैं फिर आता हूँ, हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है इसको लेकर, और हाईकोर्ट ने खूब कड़ाई से कहा है कि आप राह चलते ड्राइवर को गिरफ्तार कर रहे हो। जो बात मैं अभी तक कह रहा था वो हाईकोर्ट ने भी कही है, आप राह चलते ड्राइवर को गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन एमसीडी के किसी अफसर को गिरफ्तार नहीं किया, किसी म्यूनिसिपल अफसर को गिरफ्तार नहीं किया, जिन्होंने अवैध निर्माण, अवैध इस्तेमाल, इसको अनदेखा किया। पूरी दिल्ली, हिंदुस्तान का हर शहर, जो जितना कामयाब है, जो जितना बड़ा शहर है, जितना कारोबारी है, वहाँ उतना ही गलत काम उतना ज़्यादा है। ऐसे शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जिनके अफसरों की सीधी जिम्मेदारी है ये, जिनके अफसरों को अवैध निर्माण को रोकना चाहिए था, अवैध इस्तेमाल को रोकना चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि पानी निकलने का, निकासी का इंतजाम करते, हर बार भरता है पानी ऐसा, निकासी का इंतजाम करते। हाईकोर्ट ने पूछा है, बुनियादी सवाल है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं अकेले दिल्ली शहर पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। बुनियादी सवाल हाईकोर्ट का ये है कि आपने प्लान बदला, आपने नियम बदले, नीति बदली, आपने इजाज़त दी और मंजिलें जोड़ने की, आपने इजाज़त दी कि आप बेसमेंट का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आपने इतने लोग जब बस जाएंगे उसी जगह पे, जब बिल्डिंगें आसमान की तरफ बढ़ने लगती हैं, उनमें आबादी, रिहायश उसमें बढ़ने लगती है, तो उतने लोगों का आना जाना बढ़ता है, उतने लोगों का पानी का इस्तेमाल बढ़ता है, नाली पे, नाले पे जोर पड़ता है, वजन पड़ता है, और वहाँ बारिश का पानी जो आता है उसके लिए जगह कम रह जाती है। बड़ी साधारण सी बात है। हाईकोर्ट ने हैरानी जाहिर की कि जब आपने इतनी इजाज़त दी है, नियमों को सरल बनाया है, आपने इतनी छूट दी है लोगों को, और बना लो, और ऊपर बना लो, जब इतनी छूट दी है तो आपने शहरी ढांचे को क्यों नहीं ठीक किया? इतने लोगों का आना जाना, सड़क, दिल्ली, अगर आपने सड़क से सफ़र किया होगा, पूरा दिल्ली ऐसा मुझको तो चौक लगता है, एयरपोर्ट निकलना रहता है शहर से, तो लोग कहते हैं ढाई घंटे पहले करीब निकल जाना, एक डेढ़ घंटा तो कहीं भी सड़क पे ट्रैफिक जाम रहता है। आप पता लगता है कि दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए कई बार, या कई बार लोगों की फ्लाइट छूट जाती है। स्टेशन का भी होता होगा, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मुझको उसका तजुर्बा नहीं है। तो हाईकोर्ट ने हैरानी जाहिर की कि आपने शहर के ढांचे को नहीं सुधारा, इतने ज़्यादा इस्तेमाल के लिए, इतने ज़्यादा फ्लोर एरिया के लिए, इतने आबादी के लिए आपने छूट दे दी, इतना कारोबार बढ़ाने की छूट दे दी, लेकिन आपने शहर के ढांचे को नहीं बढ़ाया। तो हाईकोर्ट ने हैरानी जाहिर की है कि इतना बड़ा हादसा हो गया,
आपने म्यूनिसिपल के अफसरों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अभी तक कोई भी अफसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? म्यूनिसिपल कमिश्नर को खुद पेश होने कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दो और बातें कही। एक बात ये कही कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जिला स्तर के जो कलेक्टर हैं, हालांकि कलेक्टर का काम और म्यूनिसिपल का काम अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से बहुत सारे अधिकार मिले रहते हैं जो म्यूनिसिपल के अफसरों को बुला के कह सकता है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए मजिस्ट्रेट की हैसियत से। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला कलेक्टर जो हैं उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी है कि इतना अवैध निर्माण हो रहा है, इतना अवैध इस्तेमाल हो रहा है, म्यूनिसिपल कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब ये इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जो हाईकोर्ट ने उठाया है, चूँकि हाईकोर्ट ने उठाया है इसलिए जजों ने कहा कि रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है उसकी वजह से दिल्ली का ढांचा उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक बात कही है हाईकोर्ट ने, उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है, कौन रेवड़ी बांटता है उसको समझ लीजिए ज़रा। पहले दिल्ली के शासन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। दिल्ली में एक स्थानीय राज्य शासन है, निर्वाचित है, विधायक चुने जाते हैं, वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये पूर्ण राज्य शासन नहीं है, ये दिल्ली जो है वो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसा पूर्ण राज्य नहीं है। वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काम करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार, केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री वहाँ के। एलजी कौन है? एलजी केंद्र सरकार के नियुक्त किए हुए रहते हैं, जैसे राज्यपाल रहते हैं दूसरे राज्यों में। तो दिल्ली जो है सीमित अधिकारों वाला राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको नहीं है। वहाँ एलजी जो है उनके मातहत काम करते हैं मुख्यमंत्री और पूरी सरकार। आईएएस अफसरों का तबादला जो है वो एलजी करते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें जो कमिश्नर हैं उनकी पोस्टिंग भी एलजी करते हैं। तो कुल मिलाकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में निर्वाचित मेयर हैं, मेयर जो हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन आपको बतलाऊँ मैं, म्यूनिसिपल का जो काम काज है उसमें मेयर का काम नीतियाँ वगैरह बनाना रहता है, प्रोजेक्ट वगैरह पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन रोजाना का जो काम रहता है, नक्शे पास करना, नक्शे रोकना, निर्माण की अनुमति देना, निर्माण रोकना, अवैध निर्माण को तोड़ना, इसका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों म्यूनिसिपल कमिश्नर पे आती है। इसीलिए हाईकोर्ट बार बार एमसीडी के अफसरों को किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया कह रहा है। ये अफसर जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर के मातहत काम करते हैं, जो कि एलजी का नियुक्त किया हुआ रहता है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केंद्र सरकार के नियुक्त किए हुए रहते हैं। तो दिल्ली का इंतजाम जो है प्रशासन का वो थोड़ा जटिल है, थोड़ा अलग है। देश के बाकी राज्य जो हैं उस तरह से दिल्ली का इंतजाम नहीं है कि सब लोग मुख्यमंत्री के मातहत हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ऐसे प्रदेश में जब ये हुआ, ये घटना हुई दिल्ली में, तो हाईकोर्ट की हैरानी है कि आपने इस तरह से अंधाधुंध इजाज़त दी, दिल्ली के ढांचे को नहीं बढ़ाया। और हाईकोर्ट ने एक पूरी तरह से राजनीतिक एक कमेंट किया है जो कि फैसले में नहीं आएगा। वो कमेंट ये है कि आपने, आपके रेवड़ी बांटने के कल्चर की वजह से आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को भी छूना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी वहाँ बनती है, और हाईकोर्ट ने सही पकड़ा है, वो किसी मेयर, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री पे जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी मोटे तौर पे दिल्ली के एलजी की बनती है, जिनके मातहत कमिश्नर काम करता है, और उस कमिश्नर के मातहत पूरे के पूरे अफसर काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हाईकोर्ट बार बार अफसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया पूछ रहा है। दूसरी बात, ये रेवड़ी का कल्चर किसका है? ये कल्चर जो रहता है, जब
अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग वार्ड के चुनाव लड़ते हैं, मेयर का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। पार्टी और कैंडिडेट तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं में बहुत सारा पैसा चले जाता है। ये देश में कई जगह दिक्कत आ रही है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कई तरह के वायदे करते हैं लोग, नेता भी करते हैं, पार्टियां भी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अर्सा पहले, साल दो साल पहले, इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद उनको समझ में आया कि अगर चुनाव जीतना है तो यही कल्चर काम करेगा। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ वो कर सकते थे, उन्होंने कई तरह की चीज़ें लोगों को बिना पैसे के देने का काम किया। 80 करोड़ करीब आबादी ऐसी है जिसको बिना भुगतान किए, मुफ्त शब्द को बुरा माना जाता है जनता के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिना भुगतान किए चावल मिल रहा है उनको, नगद भुगतान नहीं करना पड़ रहा, बाकी तो टैक्स जनता से ही जाता है। राज्य सरकारों ने भी विधानसभा चुनाव में जगह जगह, तेलंगाना, कर्नाटक, कई जगहों पे तो सरकार के जो नियमित काम काज हैं उसके लिए भी पैसा नहीं बचा है। जो विकास के जो काम होने, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होने, उसका पैसा भी नहीं बचा है, क्योंकि चुनावी घोषणाएं इतनी महंगी पड़ी कि सरकारों का पूरा पैसा उसी में घुस गया। हर राज्य को ये भी तौलना पड़ेगा कि वो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शहरों को तौलना पड़ेगा कि म्यूनिसिपल के जिम्मे जो काम है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये भी उनका काम है, उस पर कितना खर्च हो रहा है और कितना खर्च लोक लुभावनी चीज़ों पे हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जगह जगह। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं म्यूनिसिपल के, तो आप कितनी लुभावनी घोषणाएं करेंगे और कितने ठोस काम करेंगे, इन दोनों के बीच क्या संतुलन होगा। मैं किसी को रेवड़ी नहीं कहता, मैं किसी को जन कल्याणकारी नहीं कहता, लोग खुद तय करें कि किस में क्या है, ये देखना पड़ेगा। कल के दिन अगर इस शहर में, कल ही रात में बड़े मुश्किल से कार निकाल पाया पानी से, मेरी धड़कन बढ़ गई थी, चारों तरफ अंधेरा था, पानी इतना ज़्यादा उस सड़क पे था, मैं पहली बार रात में उस सड़क पे गया था बारिश में, मुझको अंदाज नहीं था कि शहर के बीचों बीच संपन्न लोगों की बस्ती है, इतना पानी भर गया था, मैं किसी तरह वहाँ से निकाल पाया कार को। तो पानी की निकासी के लिए, जो पानी गंदा पानी नालों का पीने के पानी के पाइप में घुस जाता है, उसको सुधारने के लिए सड़कों पे गड्ढे इतने भयानक हो गए मैं आपको बता नहीं सकता, उसको सुधारने के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए और कितना पैसा जो है होर्डिंग लगाने पर खर्च करना चाहिए म्यूनिसिपल को तरह तरह की, ये सोचने की बात है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बर्बादी होती है पैसे की, बड़ी बड़ी, मैं रोज देख रहा हूँ, जिस सड़क से निकलता हूँ वहाँ अच्छे भले बने हुए फुटपाथ की टाइल्स को उखाड़ा जा रहा है और वहाँ दूसरी टाइल्स लगाई जा रही है, इस तरह की ढेरों बर्बादी हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि रेवड़ी संस्कृति की वजह से ढांचा जो है उस पर खर्च नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं बच रहा है। दिल्ली का मामला बड़ा भयानक है, ये देखना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान के शहरों में देखना पड़ेगा कि बेसमेंट का ऐसा खतरनाक इस्तेमाल कहां पर हो रहा है, उससे किसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है क्या। किसी ने गोदाम बना लिया है उसमें भी समझ में आता है उसका खुद ही का सामान बर्बाद होगा, लेकिन इस तरह से अगर लोगों को सुला दिया गया था कि पानी भरने से डूब के मर गए जवान लड़के लड़कियां, इस बारे में सोचना पड़ेगा। दिल्ली तो एक सबक है, देश के हर शहर को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, चौकन्ना करना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली की बात पर आखिरी पे लौटता हूँ, हाईकोर्ट ने जो कहा है कि MCD के कोई अफसर गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए, ये एक पहला सवाल जिसका जवाब पूरे देश में ढूंढना चाहिए लोगों को। दूसरा एक सवाल, उन्होंने कहा राह चलते हुए गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, हाईकोर्ट हैरान है थोड़ा उसके ऊपर, मैं हाईकोर्ट से ज़्यादा हैरान हूँ। मैं भी अगर किसी सड़क पे भरे हुए पानी से निकलूँगा
तो किसी स्कूली बच्ची, किसी पैदल चलते लोगों के ऊपर छींटा ना पड़े इतना ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन अगर पानी 2-3 फीट सड़क पे भरा हुआ है, मुझको उस पे से कार निकालना है मेरी, तो मुझको बड़ी रफ्तार से, पूरे पूरे ताकत से, इंजन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके निकालना पड़ेगा। ऐसे में गिरफ्तारी कर ली गई है। मुझको लगता है हाईकोर्ट को इस बात का भी नोटिस लेना था कि क्या राह चलते ड्राइवर को आप इस तरह से गिरफ्तार कर सकते हो। सोच के देखिएगा, दिल्ली की घटना है लेकिन पूरे देश के शहरों को अपने आप को सुधारना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और पानी निकलने का रास्ता अगर शहरों ने नहीं बनाया, आने वाला वक्त बहुत ख़राब इसलिए होगा कि मौसम में बदलाव की वजह से बहुत कम समय में बहुत तेज बारिश से कोई भी शहर डूब जा रहे हैं हिंदुस्तान के, कोई भी शहर। इसके लिए पहाड़ जरूरी नहीं है, नदी के किनारे होना जरूरी नहीं है। मुंबई शहर का हमने देखा है किस तरह से डूबा था, कुछ साल पहले की बात है वो। आपको पानी की निकासी की गारंटी करनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसा पानी ला के देने की गारंटी करती है म्यूनिसिपल, ये करना पड़ेगा। सोच के देखिएगा, मेरे पास कोई ठोस समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ आने वाला वक्त ऐसा आ सकता है इससे 3 गुना पानी गिर जाए कुछ घंटों के भीतर, तो क्या होगा, कितना डूबेगा। अभी छत्तीसगढ़ का मैंने पहली बार देखा, किसी एक गाँव का वीडियो था, पुलिस गई सीढ़ी लेकर, लोगों के घर का ग्राउंड फ्लोर जो है वो आधे से ज़्यादा डूब गया था, लोग छत पे थे, वहाँ से महिलाओं को सीढ़ी लगा के पुलिस ने छत से उतारा, उनको पकड़ पकड़ के किसी तरह से, इतना इतना पानी भरा हुआ था, पकड़ पकड़ के किसी तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहाँ से बचा के ले के आई पुलिस। पुलिस की तारीफ भी हुई इस काम के लिए। पानी की निकासी अगर आप नहीं करेंगे तो आपके कोई भी शहर डूब जाएंगे, प्रॉपर्टी की इतनी बर्बादी होगी जिसकी हद नहीं है। बीमा कंपनियां भी इनमें से सब चीज़ों का शायद मुआवजा नहीं दे पाएगी। तो पानी पीना जितना ज़रूरी है, उतना ही पानी को शहर से निकालना भी ज़रूरी है। मुझको लगता है कि दिल्ली के इस मामले से सबक लेकर पूरे हिंदुस्तान के शहरों को चलाने वाले मेयर, कमिश्नर, इन लोगों को अपने अपने शहर को संभालना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने शहर के पार्षद, मेयर, इनको कहिएगा कि क्या इंतज़ाम है यहाँ पे, जो इलाके डूब जाते हैं वहाँ के लोग जाके बात करें कि दिल्ली का हाल देख रहे हो, कल के दिन हमारे घर के लोग मरेंगे। आपको अगर इसमें कोई भी बात टिप्पणी के लायक लगती है तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कीजिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और। कल 3 लोग सड़क पे मरे हैं, दोपहिया चलाने वाले, और एक बुरी तरह से जख्मी है, हेलमेट नहीं लगाया था किसी ने, मैंने जितनी फोटो देखी है। मैं बार बार अपील करता हूँ कि दोपहियों पर चलने वाले, चाहे चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट लगाए बिना, उसका बेल्ट लगाए बिना उनको नहीं चलना चाहिए। ज़िंदगी आपकी है, आपकी ज़िंदगी पुलिस की नहीं है कि पुलिस उसकी चौकीदारी करे, अपना सिर आपको खुद ही को बचाना है। फिर मिलेंगे।